और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कोरोना पर राष्ट्रनीति बनाम राजनीति का विश्लेषण, या फिर कहें तथ्य बनाम राजनीति का विश्लेषण। तथ्य नंबर एक, मात्र 7 दिन में दुनिया में 36 लाख नए कोविड केस आए हैं। ये बेहद चिंता की बात है आपके लिए, मेरे लिए, समूचे देश के लिए। तथ्य नंबर दो, 7 दिन के भीतर दुनिया में 10,000 लोगों की मौत हुई है, यह भी चिंता वाला आंकड़ा है हम सबके लिए। तथ्य नंबर तीन, कोविड अलर्ट सिर्फ राहुल गांधी को नहीं भेजा गया है, ये सभी राज्यों को भी भेजा गया है, यानी हर राज्य को भेजा गया है। तथ्य नंबर चार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है, तो कायदे से उस यात्रा पे भी कोविड प्रोटोकॉल का नोटिस जाना चाहिए। बड़ा सवाल, क्या देश हित की जगह सियासी हित साधा जा रहा है? इस मूल सवाल के साथ आज इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर, साथ ही साथ मेरे साथ इस चर्चा में आलोक शर्मा है, डॉक्टर अजय आलोक है और अजीज खान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधा आपका रुख करता हूं गौरव भाटिया। जो मेरा बड़ा सवाल है, जो मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या राहुल गांधी की यात्रा से खतरा है और राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उससे खतरा नहीं है? कांग्रेस का यह पलटवार है, जवाब दीजिए इसका गौरव भाटिया, 50 सेकेंड। अभी जी, सर्वप्रथम तो जी, मेरे समक्ष वो चिट्ठी है जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने लिखी है। सारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान से 3 सांसद ये बात उनके संज्ञान में लाते हैं कि कोविड पूरे विश्व में दोबारा फैल रहा है, और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान से जा रही थी जहां संक्रमण दर बाकी प्रदेशों की तुलना में ज्यादा है, जो आंकड़े मैं साझा कर दूंगा, इसलिए ये सुनिश्चित करिए। और पत्र में क्या लिखा है, पत्र में लिखा है कि जो लोग यात्रा में सम्मिलित हो उनको मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर दिया जाए और वो फुली वैक्सीनेटेड हो। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है जी जी कि इस चिट्ठी में कोई ऐसी बात है जो आपत्तिजनक है, जिसका पालन नहीं होना चाहिए? दूसरी बात नहीं, वो चिट्ठी मैंने भी पढ़ी है और मैं बात पूरी कर लूं। नहीं, आपका एक मिनट हो गया, अब आप सुनिए, बात को पूरा सुनिए, क्योंकि आप ही से सवाल है मेरा। मेरा सवाल बड़ा सरल है, राजस्थान की आपने बात करी, आपको चिंता है राजस्थान से ये यात्रा निकल रही थी, लेकिन जन आक्रोश यात्रा भी राजस्थान से निकल रही है, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को? वहां पर कोविड नहीं फैलेगा, भारत जोड़ो यात्रा में कोविड फैलेगा? धन्यवाद जी, ये सवाल आपने पूछा, दूसरी बार पूछा। हाँ, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो स्टेट स्वास्थ्य जो होता है ये स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के तहत, शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 6 आप देखिएगा क्या कहती है कि कोई भी कोविड प्रोटोकॉल हो, नियम हो, उसका पालन कौन कराएगा? मुख्यमंत्री कराएंगे राजस्थान के, चाहे वो भाजपा की यात्रा हो चाहे कांग्रेस की यात्रा हो।